इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर देते हैं। मीटर बंद होने के मामले में कार्रवाई हुई है और यूपी ईईएसएल के स्टेट हेड समेत दो अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिया गया है दो अफसरों को। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं। मीटर बंद होने के मामले में कार्रवाई हुई, यूपी ईईएसएल के स्टेट हेड दो अफसर निलंबित कर दिए गए। एलएनटी के प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड किया गया। स्मार्ट मीटर डिसकनेक्शन मामले में कार्रवाई हुई। तो लाइट नहीं थी और लाइट सिर्फ लखनऊ में नहीं, हालांकि बहुत जगहों पर लाइट नहीं थी। लोगों ने अपनी नाराजगी अलग अलग जगहों पर जाहिर की और इस तरह की शिकायतों के बाद ही कार्रवाई हुई है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिजली व्यवस्था के एक तो तरफ दावे होते हैं कि बिजली तो 24 घंटे मिल रही है, 24 घंटे नहीं भी तो कुछ घंटे कम, लेकिन मिल रही है, बेहतर मिल रही है पूर्व की सरकारों से, तो उसकी धरातल पर स्थिति पहला तो क्या है, दूसरा लोगों ने जो बवाल काटा उसके पीछे के कारण, और जो कार्रवाई अब की गई है, कार्रवाई किसने की और जिन पर की गई है उनके बारे में बताइए। राजीव, देखिए प्रदेश में अब इस समय तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है और इसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई बिजली का बिल जमा नहीं करता है तो ऐसे केस में एक जो सेंट्रल सर्वर है वहां से एक कमांड देकर उस मीटर को बंद किया जा सकता है। और ऐसा ही कल हुआ, लगभग 10,000 से ज्यादा जो मीटर थे तो वहाँ बिजली के मीटर स्मार्ट मीटर को अचानक से कल से बदला दिन से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी होती है जिनका बिजली का बिल पहले से जमा था। हजारों की संख्या में ऐसे उपभोक्ता थे जिनका बिजली का बिल जमा था, जब उनका बिजली का मीटर बंद होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि बिल जमा है फिर क्या वजह है जो ऐसा हो गया। मामला शासन तक पहुंचता है क्योंकि इसका जो सेंट्रल सर्वर है वो लखनऊ में ही है। जब यहाँ पर मामला आया, चेक कराया गया तो ये सामने आता है कि एक जो कमांड दिया जाता है मीटर को बंद करने के लिए, वो जो जिम्मेदार थे उसके लिए उन लोगों ने एक कॉमन कमांड दे दिया जिससे जिन लोगों के बिल नहीं जमा थे और जिन लोगों के बिल जमा थे दोनों के ही बिजली के मीटर बंद हो गए। उसके बाद एक एक करके उन मीटर को शुरू करने का काम जब चला है, शुरू हुआ है, तो वो देर रात तक चलता रहा। इसी को लेकर कई जगह पर हंगामा भी हुआ। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर इनपे उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ा और तुरंत ही इसे लेकर जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, उन्होंने कहा मामले की जाँच की जाए, जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मीटर लगाने की बात जब हम करते हैं, जो मीटर लगाने की जिम्मेदारी है वो एलएनटी के पास है, ईईएसएल के पास है और इसी को लेकर जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है उन्होंने ये बताया कि रात में ही ईईएसएल और के जो यूपी हेड है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है एलएनटी के, उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। ठीक है शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कार्रवाई भी हुई है और लोगों को परेशानी होती रही उस मामले में, फिर रात को कार्रवाई भी हुई है, लाइट पहुंचाने की कार्रवाई भी और दूसरा अधिकारियों पर जिनकी लापरवाही है उन पर भी कार्रवाई हुई है।